नमस्कार दोस्तों, डिजायर एडमिशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट का जो मॉपअप राउंड है उसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो आ गई है। और जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सीट मैट्रिक्स फॉर बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस कोर्सेज इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, माइनॉरिटी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी कॉलेजेस फॉर ग्रुप बी काउंसलिंग, मतलब जैसे कि मॉपअप फर्स्ट होने वाला है महाराष्ट्र स्टेट का, जिसकी लिस्ट 6 जनवरी को पब्लिश होने वाली है, उसकी आज से चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। इसी के साथ आज वैकेंसी पोजिशन कॉलेजेस की आ गई है और आप जैसे देख सकते हैं कि इतने कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट है। और आपको जैसे कि बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट 22 कॉलेजेस है एंड प्राइवेट के टोटल 61 कॉलेजेस है वो अवेलेबल है, और जो 4 से 5 जो प्राइवेट नए कॉलेजेस ऐड होने वाले वो भी आ सकते हैं। तो आपके लिस्ट में दिखाई दे रहा होगा कि जो भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, जो टोटल हमारे पास गवर्नमेंट के 22 कॉलेजेस है और उनके में सीट्स 1837 अवेलेबल है। अभी उसमें से अभी भी 572 सीट्स वैकेंट है। अभी ये सीट्स मतलब 25-30% सीट्स अभी भी महाराष्ट्र स्टेट की वैकेंट है और ये सीट्स अभी इसमें भरी जाएंगी, मॉपअप फर्स्ट में भरी जाएंगी, और उसके बाद जो भी सीट्स वैकेंट रहेंगी वो सीट्स मॉपअप सेकेंड में फिलअप की जाएंगी। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो YMT में अभी भी 34 सीट्स वैकेंट है। उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नालासोपोरा में 29 सीट्स वैकेंट है। जो पुणे का कॉलेज है BSDT, उसमें उसको परमिशन नहीं मिली थी तो उसमें टोटल 50 सीट्स अभी भी वैकेंट है। PDS में 17 सीट्स वैकेंट है। सुमतीबाई में 11 सीट्स वैकेंट है। तो इस तरह से प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट है। प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट में भी 23 सीट्स वैकेंट है। उसी के साथ जो श्री विवेकानंद नर्सिंग होम ट्रस्ट राहुरी का कॉलेज है उसमें भी अभी 14 सीट्स वैकेंट है। इस तरह से प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत ज़्यादा सीट्स अभी भी वैकेंट है। अगर बात करें तो कट ऑफ कितना जाएगा तो इस पर हम एक डिटेल कल वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि हमारी टीम जो है PDF एनालिसिस कर रही है वैकेंसी पोजिशंस और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है, उसके बारे में हम एक एक्यूरेट कट ऑफ के बारे में जरूर वीडियो बनाएंगे। हमारे टीम मेंबर्स एनालिसिस कर रहे हैं कि एक्यूरेट कट ऑफ कितना जा सकता है। और दूसरी बात, अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो हमने जो मॉपअप राउंड फर्स्ट के चॉइस फिलिंग की फीस 500 रुपीज़ रखी है। अगर आपको स्टैंडर्ड चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, अगर आपको अपने आपके फ्यूचर के साथ रिस्क नहीं लेना है, गलत कॉलेज में नहीं जाना है, तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। 500 रुपीज़ में आपको एक बेहतर चॉइस फिलिंग मिल सकती है और उसी के साथ कॉलेजेस के कट ऑफ एंड आपकी प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा और आपको डिटेली पर्सनली कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर किसी कॉलेज के बारे में आपको डिटेल गाइडेंस चाहिए उसके बारे में भी बताया जाएगा, तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर बात करें जो BAMS के टोटल 1800 से भी ज़्यादा सीट्स वैकेंट अभी भी बची है, जो कि 4000 से भी ज़्यादा सीट्स है, और 34 सीट्स जो भी गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज है उसमें बची है। अगर प्राइवेट BHMS की बात करें तो प्राइवेट BHMS में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीट्स अभी भी वैकेंट बची है। अभी ये सीट्स कितनी वैकेंट बची है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि टोटल हमारे पास 4800 सीट्स अवेलेबल है, उसमें से 2994 सीट्स अभी भी वैकेंट से, वो सीट्स अभी मॉपअप फर्स्ट एंड मॉपअप सेकेंड में फिलअप हो जाएंगी। एंड अगर ये सीट्स मॉपअप में फिलअप होती है तो कट ऑफ जरूर कम होगा। और उसके साथ अगर BUMS की बात करें तो BUMS जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें लगभग 180 के आसपास सीट्स है, उसमें से भी 37 के आसपास सीट्स अभी भी वैकेंट है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप देख सकते हैं कि 230 सीट्स में भी बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं है BUMS के लिए, पर BMS एंड BHMS के लिए बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट है। तो ये सीट्स से वो मॉपअप राउंड में भरी जाएंगी, फिलअप की जाएंगी। अगर आपको सही तरीके से कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाना एंड प्रेफरेंसेस सही ढंग से डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, हमारी गाइडेंस चाहिए, तो हमें 9730898960 पर ज़रूर मैसेज कीजिए। हमारे टीम मेंबर्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे काउंसलिंग में। इसी के साथ आपको एक अच्छा बेहतर कॉलेज कैसे मिल सकता है मॉपअप फर्स्ट या मॉपअप सेकेंड में, उसके बारे में भी ज़रूर हेल्प करेंगे। हमने इस साल की फीस 500 रुपीज़ रखी है मॉपअप फर्स्ट के लिए, जो भी चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपको चॉइस फिलिंग हमारे थ्रू करनी है तो हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज कीजिए। आपके स्कोर एंड कैटेगरी के अनुसार, इसी के साथ आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसके अनुसार ग्रेड वाइज एंड कॉलेज की हॉस्टल फी, मेस फी, रैगिंग, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी काउंसलिंग की जाएगी। आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट पर्सनली बनाकर दी जाएगी, तो आप हमारी काउंसलिंग ले सकते हो। उसकी फीस हमने 500 रुपीज़ आज के लिए रखी है। तो आप हमें व्हाट्सएप पर 9730898960 पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए।
हमारे टीम मेंबर्स आपकी जरूर हेल्प करेंगे। इसी के साथ अगर आपको अदर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और आपको अगर कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अभी ये आई है हमारी वैकेंसी पोजिशन, अभी इसके बाद आने वाली है अपनी CSML लिस्ट। SML लिस्ट मतलब कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया है और नए रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, उसके बाद एक डिटेल वीडियो बनेगी कट ऑफ पे, क्योंकि अगर हमें पता चलता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन कितने होते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद हम एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि जो मॉबो फर्स्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है, एंड मॉबो फर्स्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है उस पर डिपेंड करेगा कि मॉबो सेकेंड का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ कितना गया, और अगर कट ऑफ जाता है कितना लेस जाता है या ज़्यादा जाता है उस पर हमें एक बार फिक्स पता चलेगा जब हमारी जो SML लिस्ट है वो आज आ जाएगी, एंड SML लिस्ट आने के बाद हम आपको डिटेली गाइड कर लेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कौन से भी कॉलेज के बारे में डाउट है, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9730898960 पर हमें मैसेज कीजिए। अभी 4 से 5 नए BAMS के कॉलेजेस भी ऐड होने वाले हैं, उसके बारे में हमने वीडियो ज़रूर बनाएंगे कल या परसों, हम जो नए 4-5 BAMS के कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। इसके बाद एक्यूरेट BAMS BHMS BUMS का कट ऑफ कितना जा सकता है उसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। अभी हमारे टीम मेंबर्स एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है या कितनी सीट्स अभी भी वैकेंट है, एक बार SML आने के बाद हमें पता चलेगा कि नए रजिस्ट्रेशन कितने होने वाले, एंड आफ्टर दैट वी विल मेक वीडियो, ठीक है, और उसमें आपको बताया जाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर आपको हमसे प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर जल्दी मैसेज कीजिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे कि हमारी काउंसलिंग फीस हमने आज के लिए 500 रुपीज़ रखी है प्रेफरेंस लिस्ट के लिए। तो दोस्तों, अगर और भी किसी के रिलेटेड आपको स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड से एडमिशन चाहिए या अदर स्टेट में एडमिशन चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज कीजिए, हमारी टीम मेंबर्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।